बाबा कई बार कहते हैं जैसे स्थान की सुरक्षा के लिए तारे लगाई जाती है, कांटे लगाए जाते हैं, चारों तरफ से उसका घेराव कर दिया जाता है ताकि कोई दुश्मन, कोई भी चोर, कोई भी डकैती उस स्थान से न कर पाए, घुस न पाए, सुरक्षा के साधन बनाए जाते हैं। जिस स्थान पर हम निवास करते हैं उस स्थान को अपने पवित्र वाइब्रेशन और योग की करंट से शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। सुरक्षा आवश्यक है। इस समय इतनी पवित्र किरणों के द्वारा इस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, आप भी सुरक्षित हो जाएंगे, आपके साथ वाले भी सुरक्षित हो जाएंगे और स्थान पर जो आत्माएं आई है उनको मुक्ति है, सारा मिले हो जाए। इसलिए आवश्यकता है अपने विचारों के ज्ञान और योग के चिंतन से बहुत शुद्ध और पवित्र बनाने की। तो फाउंडेशन के लिए मैं पांच बातें आपको बताता हूँ। जैसे फाउंडेशन में सरिया, सीमेंट, कंक्रीट कई चीजें डालते हैं, कूटते हैं, ऐसे नहीं फाउंडेशन हमारे इस जीवन के अपनी ऊंची स्थिति के लिए आवश्यक है सबसे पहले ज्ञान और योग का अच्छा फाउंडेशन, अच्छा चिंतन करो। जब मुरली सुनी चलेगा नहीं, मुरली का अच्छा चिंतन करो, ज्ञान को स्वरूप में लाने के लिए कोई ना कोई संकल्प करो। आज बाबा ने ये बात कही है, इसको मुझे अपने स्वरूप में लाना, इसका अनुभव करना। सुन लिया, भूल गए, जैसे कि तैसे हो गए। योग के गहरे गहरे अनुभव करो, जो बाबा कहता है उसे कहेंगे शरीर से लेते हैं जाओ, सूक्ष्म वतन में आ जाओ, मूल वतन में आ जाओ, यथार्थ याद करो। जब मिले समय प्रकृति में बैठ करो,